भारतीय क्रिकेट को नई सनसनी मिली है। 17 साल के क्रिकेटर कुमार कुशाग्र ने रणजी ट्रॉफी के एक मैच में सबको चौंका दिया। झारखंड और नागालैंड के बीच ये मैच ईडन गार्डन में खेला जा रहा है, जिसमें पहली पारी में शानदार बल्लेबाजी करते हुए कुमार कुशाग्र ने 266 रन बना दिए। ये 266 रन उन्होंने केवल 269 गेंदों पर बनाए। झारखंड के विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार कुशाग्र की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत झारखंड ने पहली पारी में 880 रन का स्कोर खड़ा कर दिया। 266 रनों की पारी खेलने वाले कुशाग्र ने इस दौरान पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जावेद मियादाद का दशकों पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये रिकॉर्ड है सबसे कम उम्र में 250 रनों से ज्यादा बड़ा स्कोर बनाने का। 47 साल से यह रिकॉर्ड जावेद मियादाद के नाम था, जिन्होंने 1975 में कराची किंग्स की तरफ से खेलते हुए यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था। उस वक्त उनकी उम्र 17 साल और 311 दिन थी, लेकिन कुमार कुशाग्र ने यह रिकॉर्ड 17 साल 141 दिनों में ही अपने नाम कर लिया और 47 साल पुराना जावेद मियादाद का रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारत में अब तक यह रिकॉर्ड ईशान किशन के नाम था, जिन्होंने 18 साल 111 दिन की उम्र में यह रिकॉर्ड बनाया था। टीम इंडिया ने श्रीलंका से टेस्ट सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। बेंगलुरु के चिन्नस्वामी स्टेडियम में खेले गए दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच में भारत ने श्रीलंका को 238 रन से शिकस्त दी। इस मैच में श्रेयस अय्यर को दोनों पारियों में अर्धशतक लगाने के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया, जबकि ऋषभ पंत मैन ऑफ द सीरीज रहे। मैच में भारत के गेंदबाजों का प्रदर्शन भी शानदार रहा। जसप्रीत बुमराह ने मैच की दोनों पारियों में कुल 8 विकेट लिए, जबकि 6 विकेट रविचंद्रन अश्विन ने लिए। भारतीय गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की वजह से 3 दिन में ही मैच खत्म हो गया।